देखो जो हमने थ्योरम की थी लास्ट वीडियो में उसका कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, थ्योरम की थी एनी पीरियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर, कि अगर कोई भी पीरियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, एक क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। और अब इस थ्योरम में हम क्या दिखाएंगे कि अगर कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर को, तो वो कैसी होगी, पीरियोडिक होगी। ठीक है, तो देखो अ क्वाड्रेटिक इरेशनल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पर ए बी सी कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, हमने लेट कर लिया एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लेट किया है, ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन, कोई भी इनफाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया कि जो ए एन के बाद वाली टर्म्स थी उसे हमने क्या नाम दे दिया, ए एन डैश नाम दे दिया। ठीक है, इसको तो हमने एज इट इज़ रख लिया, ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन, और जो बाद वाली टर्म्स थी उसे हम ए एन डैश नाम दे रहे हैं। तो देखो ए एन के जो बाद वाली टर्म्स आएंगी इसको हम क्या बोल सकते हैं, nth कन्वर्जेंट भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो फर्स्ट कन्वर्जेंट क्या होती थी, जब टर्म फर्स्ट वन से स्टार्ट हो ए वन ए टू। ठीक है, सेकंड कन्वर्जेंट क्या होती थी, जब टर्म टू से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे जो ए एन डैश लिखेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, टर्म्स ए एन से स्टार्ट होंगी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द nth कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे जो हमने लास्ट थ्योरम में यूज़ किया था ना। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने थीटा में यूज़ किया था ये वाली चीज़, थीटा में फिर हमने ये वाली चीज़ लगा दी थी। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह क्या है, ए एन डैश है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी आई बाई क्यू आई क्या है, आईएथ कन्वर्जेंट है। ठीक है, उस कंटिन्यूड फ्रैक्शन की, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास क्या चल रहा था, एक्स चल रहा था ना, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी एक्स, एक्स की जगह ये, प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले दो, देखो नीचे सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, ए एन डैश क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद जब आएगा ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट में, और जो नीचे एलसीएम आ रहा था वो राइट में जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास जीरो चल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे और जब सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस बी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, टर्म की इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, प्लस में इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया, इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इन में से ए एन डैश स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया, ए एन ए एन डैश वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया, और जो बची हुई टर्म्स है उसको एक तरफ कर लिया। तो यहाँ से देखो कुछ कुछ ए एन डैश स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ए एन डैश में हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हमने इस पूरी टर्म को नाम दे दिया ए एन इंटू ए एन डैश स्क्वेयर, प्लस इसको हमने नाम दे दिया पूरी को बी एन इंटू ए एन, इधर यहाँ है ना पूरी, इस पूरी को हमने नाम दे दिया बी एन, और ये ए एन डैश प्लस इस बची हुई को हमने नाम दे दिया सी एन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जहाँ पे ए एन बता रखा है किसको नाम दिया है, बी एन इस टर्म को नाम दिया और सी एन इस टर्म को नाम दिया। ठीक है, अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हम ए एन बी एन सी एन को क्या दिखा देंगे कि ये फाइनाइट है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखो लेकर चले कि इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारे पास ए एन जीरो हो जाते हैं तो मीन्स ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्या किया हमने, इसके दो डिवाइड कर दिया हमने किस चीज़ से, के एन माइनस वन के होल स्केयर से, के एन माइनस सॉरी क्यू एन माइनस वन स्केयर से मल्टीप्लाई कर दी हमने, इधर मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय के क्यू सॉरी क्यू एन माइनस वन स्केयर से, तो इधर क्या बनेगा, ए क्यू एन माइनस वन होल स्केयर बन जाएगा ना हमने, प्लस बी क्यू एन माइनस वन आ जाएगा नीचे, और इधर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो पी एन माइनस वन अपोन पी एन माइनस वन अपोन क्यू एन माइनस वन है, ये रूट बन रहा है, किसका बन रहा है रूट,
इस इक्वेशन का, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन, पी एन माइनस वन अपॉन क्यू एन माइनस वन। क्लियर है ना बात, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पी एन माइनस वन अपॉन क्यू एन माइनस वन जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि पी एन माइनस वन अपॉन क्यू एन माइनस वन इज द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्वाड्रेटिक इरेशनल है, तो इट मीन्स इसके रूट तो सिर्फ इरेशनल हो सकते हैं। और हमने क्या दिखा दिया कि इसके रूट कैसे हैं, रैशनल हैं, क्योंकि पी एन माइनस वन कोई इंटीजर है और क्यू एन माइनस वन भी कोई इंटीजर है, तो इट मीन्स पी एन माइनस वन अपॉन क्यू एन माइनस वन एक रैशनल नंबर है। तो हमने दिखा दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक रैशनल रूट है, पर मान के चले हैं कि वो क्वाड्रेटिक इरेशनल है, तो इट मीन्स उसके पास तो सिर्फ इरेशनल रूट होने चाहिए थे, तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ए एन को जीरो लेके चले थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि रैशनल है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके रूट तो इरेशनल होंगे, तो इट मीन्स ए एन नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास ए एन वाई स्क्वायर प्लस बी एन वाई प्लस सी एन इज इक्वल्स टू जीरो इज एन इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट इज ए एन डैश। उसने बोला कि ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन है जिसका एक रूट कौन है, ए एन डैश। अब ये वाली चीज़ इसने कैसे बोल दी, क्योंकि हमारे पास यहाँ से देखो क्या आ रहा है कि ए एन ए एन डैश स्क्वायर प्लस बी एन ए एन डैश प्लस सी एन इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ए एन वाई स्क्वायर प्लस बी एन वाई प्लस सी एन इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए एन डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए एन डैश है वो इसका रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या दिखा रहे हैं कि जो इस इक्वेशन का एक रूट कौन होगा, ए एन डैश होगा, ठीक है। अब हम क्या लेके चले हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी देते थे ना, जैसे हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हम उसके रूट डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, तो वो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी से निकालते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ लेकर चले हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है। जब लिखेंगे बी एन स्क्वेयर माइनस फोर ए एन सी एन, अब हमें बी एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, सी एन की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पुट करके जब इस चीज़ को इसमें पुट करेंगे बी एन की ए एन की सी एन की और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके आप खुद से देख लेना, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ इसकी अंदर वाले की, इस टर्म की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ये वाला रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, वहाँ पर के और एच में होती थी, यहाँ पर हम कन्वर्जेंट टर्म पी और क्यू में लेकर चले हैं, ठीक है ना। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो जो चार इक्वेशन की थी ना, हमने चार आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसी में से एक आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब इसका स्केयर है, इसका स्केयर मीन्स इसका भी स्केयर हो गया, मतलब इसका भी स्केयर, तो मीन्स यहाँ पर तो वन ही आ गया ना स्केयर करने के बाद, अगर माइनस वन की इवन पावर करेंगे वो तो वन ही होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये वाली जो आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पी एन और क्यू एन कोई कन्वर्जेंट होता है तो हमारे पास होता है कि क्यू एन एक्स माइनस पी एन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको आप लर्न कर लेना, जहाँ पे डेल एन की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेके वन के बीच में होगी, ठीक है। अब इसका यूज़ हम किस में करेंगे, एन की वैल्यू को जब हम एन माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने एन की जगह क्या रख दिया, एन माइनस वन, क्यू एन माइनस वन एक्स माइनस पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन डेल एन माइनस वन अपॉन क्यू एन, क्योंकि हमने एन की जगह क्या पुट कर दिया, एन माइनस वन पुट कर दिया इधर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसको हम राइट साइड ले गए, या इसको समझ लो राइट साइड ले गए और इसको इधर ले आए, ठीक है ना। क्या किया, इसको उस तरफ ले जाओ, यहाँ से हमारे पास क्या बने, क्यू एन माइनस वन एक्स, इसको जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होगा तो एक माइनस और आएगा ना, तो माइनस वन और एक माइनस वन की यहाँ कितनी पावर है, एन माइनस वन, तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी, एन पावर हो जाएगी, तो प्लस माइनस वन की पावर एन डेल एन माइनस वन अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू पी एन माइनस वन, ठीक है ना। ये टर्म एज इट इज, इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस की होगी, तो वो माइनस हमने इसके पावर में ऐड कर दिया, उसे प्लस का ही रहने दिया, और इसको जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गई, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना, लेफ्ट में लिख दो राइट में लिख दो, इक्वालिटी है, लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, पी एन माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब इस पी एन माइनस वन की वैल्यू को उठा के ए एन में पुट कर दो,
एन हमारे पास ये वाली चीज़ थी, इसमें हम पी एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने निकाल ली। अब हमने क्या किया कि इस ए एन की वैल्यू में पी एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ए बी और सी की टर्म्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। जिनमें से ए को मना रहा था वो अलग निकाल लिए, जिनमें से बी को मना रहा था वो अलग निकाल लिए, और सी वाले अलग रख लिए, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करा, इसको और सिंप्लीफाई करके हमने क्या कर दिया कि क्यू एन माइनस वन स्केयर वाली टर्म्स को अलग निकाल लिया, बाकी सारी एज इट इज मतलब लिख लिए सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू तो जीरो नहीं थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो थी, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, जीरो रख दी। तो जीरो इज इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस यहाँ पे हम क्या चल रहा था, ए एन चल रहा था ना, तो ए एन इज इक्वल्स टू दिस टर्म आ गई, ठीक है। अब क्या किया, मोड ले दिया ए एन का, ए एन का मोड लेफ्ट में भी राइट में भी मोड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मोड को जब अलग अलग करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इस पर अलग कर दिया मोड, इस पर अलग, ठीक है, सारे मोड अलग अलग कर दिए। अब देखो डेल एन माइनस वन का जो मोड था वो लेस देन वन था ना, क्योंकि जहाँ डेल एन का मोड ही वन से छोटा था तो डेल एन माइनस वन का मोड भी लेस देन वन, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमें पता है, जो क्यू एन होते हैं वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं, तो क्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू एन माइनस वन, इसका मतलब क्यू एन माइनस वन अपॉन क्यू एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन। और ये वाली चीज़ भी हम कर चुके हैं कि क्यू एन का स्केयर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन स्केयर होगा, तो इसका मतलब वन अपॉन क्यू एन स्केयर इज लेस देन इक्वल्स टू वन बाय एन स्केयर। इसका मतलब देखो जब एन को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो ये वाली चीज़ कहाँ अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, इट मीन्स ये भी जीरो के नज़दीक ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो वो होगी मतलब वैल्यू होगी वो लेस देन वन होगी, हम ले सकते हैं ना इसकी वैल्यू लेस देन वन, क्योंकि जीरो को अप्रोच कर जाएगी जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया कि डेल एन माइनस वन की वैल्यू लेस देन वन है, इसकी वैल्यू लेस देन वन है, और ये वाली चीज़ लेस देन वन है। इन तीनों चीज़ों का यूज़ हम इसके अंदर करेंगे। तो देखो टू ए एक्स, अब डेल एन माइनस वन की वैल्यू लेस देन वन थी तो वन रख दिया, प्लस इसकी वैल्यू लेस देन वन थी, ठीक है ना, वन आ गया प्लस। अब देखो प्लस सेकंड टर्म शुरू होगी यहाँ पे मोड ऑफ ए, अब ये वाली चीज़ किससे कम है, वन से कम है ना, क्यों, क्योंकि देखो डेल एन स्केयर ऊपर वाले टर्म किससे कम, वन से कम, और बाय में क्या है, वन अपॉन क्यू एन स्केयर, और वन अपॉन क्यू एन स्केयर भी लेस देन वन है, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है किससे कम होगी, वन से कम होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ ए। अब प्लस मोड ऑफ बी, अब ये वाली टर्म भी लेस देन वन और ये वाली टर्म भी लेस देन वन, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए एन का मोड है वो इस फाइनाइट नंबर से कम है, तो इसका मतलब ए एन हमारे पास कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब देखो जो सी एन है वो क्या है, ए एन माइनस वन। अब ये वाली चीज़ कैसे पता चलेगी, देखो एक बार हमने ए एन सी एन जहाँ माने थे ना, थोड़ी बड़ी हो गई थी, और जहाँ ए एन था और जहाँ सी एन था, इसमें देखो अगर ए एन की जगह मैं ए एन माइनस वन पुट कर दूँ यहाँ पे एन की जगह, तो ये एन माइनस वन है, एन की जगह अगर एन माइनस वन पुट करेंगे तो एन माइनस टू बन जाएगा ना इधर, तो ठीक है। यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एन माइनस टू, ये वाली चीज़। यहाँ पर भी एन माइनस टू, यहाँ पर एन की जगह जब एन माइनस वन पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, एन माइनस टू। तो इट मीन्स जब हम ए एन में एन की जगह एन माइनस वन पुट कर रहे हैं, एन की जगह एन माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी एन आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए एन माइनस वन किसके इक्वल है, सी एन के। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब देखो सी एन का मोड, देखो ए एन का मोड ये इसके इक्वल है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास इससे कम थी, ए एन की वैल्यू इससे कम थी, तो इट मीन्स सी एन की वैल्यू भी इसी से कम होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि सी एन इज ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। अब बच गया कौन, बी एन, ए एन दिखा दिया फाइनाइट है, सी एन दिखा दिया, अब बचा बी एन। अब बी एन की वैल्यू हमने लिख ली भाई क्या थी, यही चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे देखो की थी हमने सोल्व, बी एन इज इक्वल्स टू, देखो बी एन स्केयर माइनस फोर ए एन सी एन इसके बराबर था, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए एन सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ का यूज़ कर दिया कि जो बी एन है हमारे पास, बी एन स्केयर लिखा है ना इसने, यहाँ बी एन स्केयर की वैल्यू ये है ना, तो बी एन स्केयर इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए एन सी एन, ठीक है। उसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसका मोड कर दिया दोनों तरफ, तो बी एन का स्केयर अलग अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस फोर
अलग अलग कर दिया, इज लेस देन दिस प्लस फोर। अब ए एन का जो मोड था वो किससे कम था, इसी क्वांटिटी से कम था ना, क्योंकि हमने इसी का तो यूज़ करके सी एन का लिखा था। पीछे से देखो ए एन का मोड इससे कम था, तो इसकी जगह पुट कर देंगे हम, ए एन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ से देखो सी एन का मोड भी इसी टर्म से कम था, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार तो ए एन वाला आएगा और एक बार सी एन वाला, दोनों सेम से कम है ना। चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फोर। इस वाली टर्म को लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, ये तो एज इट इज़ ही है, प्लस फोर एज इट इज़ है, इस टर्म को लिख रही हूँ। अब ए एन था जो हमारा किससे लेस था, देख लेना इक्वेशन से, ए एन इज लेस देन था किससे, टू ए एक्स प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ठीक है। और जो सी एन था वो किससे लेस है, इससे लेस है, तो सी एन की जगह हम लिख सकते हैं, लेस देन का तो लगा दिया सिंबल, टू मोड ऑफ ए एक्स प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लस फोर, और इसका प्लस दिस मल्टीप्लाई में तो स्केयर हो जाएगा ना इस टर्म का, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्केयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी एन बी फाइनाइट आ गया ना, क्योंकि हमने किसी नंबर से कम दिखा दिया, तो इसका मतलब हमारे पास थ्री ट्रिपलेट्स मिल गए, फाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स मिले हैं ना, कौन कौन, ए एन बी एन और सी एन। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ए एन माइनस टू बी एन माइनस टू सी एन माइनस टू, और ए एन माइनस ए एन थ्री बी एन थ्री और सी एन थ्री, ठीक है। माइनस गलत बोल गई मैं, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए एन माइनस ए एन वन डैश ए एन टू डैश ए एन थ्री डैश क्या होंगे, रूट होंगे किसके, इसी इक्वेशन के, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रूट होंगे। यहाँ से हमारे पास कौन कौन रूट होएगा, ए एन वन डैश ए एन टू डैश ए एन थ्री डैश, क्योंकि पीछे हम क्या कह रहे थे कि ए एन रूट बताया था ना हमने, अब हमारे पास थ्री ट्रिपलेट्स मिल गए, तो इट मीन्स क्या होंगे, थ्री रूट्स होंगे ना उसके। देखो यहाँ से हम क्या बोल रहे थे कि ए एन डैश रूट होगा इसका, यहाँ से हम बोल रहे थे ना ए एन डैश, एक मिनट, हाँ देखो ये रहा, यहाँ से हम बोल रहे थे ए एन डैश रूट होगा किसका, ए एन इस इक्वेशन का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थ्री ट्रिपलेट्स आ गए, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ए एन वन डैश रूट होगा, इसके अकॉर्डिंग ए एन टू डैश रूट होगा, और थर्ड वाले के अकॉर्डिंग ए एन थ्री डैश रूट होगा इस इक्वेशन का। बट ये तो हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इन दो तीनों में से दो रूट तो सेम होने चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ही रूट आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे और हमारे पास तीन रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इनमें से कोई दो सेम होंगे। तो ठीक है, हमने मान लिया कौन कौन सेम है, ए एन वन डैश इक्वल है ए एन टू डैश के। अब मैंने ये वाली चीज़ आपको बताई थी यहाँ से कि जो ए एन डैश था वो क्या था, एन एथ कन्वर्जेंट था ना, इट मीन्स इसकी जो टर्म्स थी कहाँ से शुरू हो रही थी, ए एन से शुरू होंगी, क्योंकि हमने ए एन के बाद वाले टर्म को क्या नाम दिया था, ए एन डैश नाम दिया था, तो ये क्या था, एन एथ कन्वर्जेंट था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एन माइनस वन डैश, इसका मतलब ये एन वन कन्वर्जेंट है और ये एन टू कन्वर्जेंट है, इसका मतलब यहाँ की जो टर्म्स शुरू होंगी वो कहाँ से होंगी, ए एन वन से, और यहाँ की टर्म शुरू होंगी ए एन टू से, ठीक है। तो इसके बाद वाले टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे ए एन वन प्लस वन ए एन वन प्लस टू, और इसी तरीके से इधर वाले, क्योंकि ये है हमारे पास एन वन कन्वर्जेंट और ये हमारे पास है एन टू कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एन वन, दिस इज कन्वर्जेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एन टू, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल कब होएंगी, जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए एन वन इक्वल है ए एन टू के, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन एन वन से जो पहले की कुछ टर्म्स को छोड़ने के बाद वाली टर्म्स है वो क्या हो रही है हमारे पास, रिपीट हो रही है ना, क्योंकि रिपीट हमें यही तो चीज़ दिखानी थी किसमें, इनफाइनाइट सॉरी हम जब पीरियोडिक दिखाते हैं तो यही चीज़ दिखाते हैं ना, कुछ टर्म छोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो क्या होने लग जाए, रिपीट होने लग जाए। तो हमने दिखा दिया कि जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि ये इक्वल आगे ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो कैसी होगी, पीरियोडिक होगी, और यही वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी।